सुहाना खान को एयरपोर्ट पे किया गया कैप्चर, मीडिया को दिए उन्होंने अलग अलग अंदाज में खिंचवाई फोटो। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान को एयरपोर्ट पे मीडिया ने कैप्चर किया, जहां पे उन्होंने अलग अलग अंदाज में मीडिया का दिल जीता और अपने फैंस के बीच में एक अलग पहचान बनाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ प्रिया। सुहाना खान जो कि हमारे किंग खान यानी कि शाहरुख खान की बेटी है, हार्ली में उन्हें एयरपोर्ट पे कैप्चर किया गया। वो एक ग्रे टॉप पहने हुई थी जिसके नीचे उन्होंने एक कैजुअल सी एक ऑफ वाइट जीन्स भी पहनी थी, जिसके ऊपर उन्होंने ब्लैक कलर का बैग डाला था और इसी के ऊपर उन्होंने ब्लैक कलर के स्पेक्स पहने थे, जो लुक उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था। अभी हाल ही में उनकी एक मूवी आने वाली है, जिसके बीच में मीडिया के अंदर वो थोड़ी सी उनकी इमेज बनी हुई है और लोग उनके बारे में और जानना चाहते हैं, क्योंकि ये उनकी पहली फिल्म होने वाली है। मगर अभी तक एक भी मूवी ना करने के बाद भी उनकी सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है, लोगों को वो बहुत पसंद आती है और उनकी नई मूवी भी लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। मगर जब ही ये बीच में फोटोज रिलीज हुई या फिर यूं कहूँ जब मीडिया ने उन्हें एयरपोर्ट पे कैप्चर किया, तो ये फोटोज भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इन फोटो के बीच में जब फैंस ने फोटो खिंचवाई, तो उन्होंने बहस की और मुस्कुरा के अपने फैंस को प्यार दिया और उनसे तस्वीरें भी खिंचवाई, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। जाते वक्त वो अपने बाल ठीक करते हुए हवा के कारण जो खराब हो गए थे वो एयरपोर्ट पे चली गई, मगर उनके कारण उन सारी चीज़ों के कारण उनकी मूवी जो कि हम भूल चुके थे वो हमें दोबारा याद आ गई, द आरजीज, जिसका ट्रेलर जो है 2022 में रिलीज हो चुका था, मगर ये मूवी 2023 में आने वाली है। इस मूवी की खासियत यह है कि OTT पे रिलीज होगी और इसमें बहुत सारे सुपरस्टार्स के बच्चे देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारे शाहरुख खान की बेटी हमारी सुहाना खान, श्रीदेवी की छोटी वाली बेटी जिसका नाम है खुशी कपूर, और हमारे अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा भी देखने को मिलेंगे। इस कहानी में शायद से बहुत ज़्यादा सस्पेंस होने वाला है और इन सारे कैरेक्टर्स जो फ्रेम पे आएगा वो बहुत ही यूनिक हो सकता है, क्योंकि स्टार किड्स होने के बाद उनकी इमेज बन भी सकती है और बिगड़ भी, और ये मूवी भी हिंदी में आने वाली है तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। तो आपने इसका ट्रेलर देखा या नहीं देखा और आपको हमारी सुहाना खान का नया लुक पसंद आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।